ये बुक की डीलेट की ऐसी बुक्स जो कि कुछ स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में डीलेट्स करना चाहते हैं उनके लिए बुक्स अवेलेबल नहीं है, और हिंदी मीडियम की बुक्स पढ़ना उनके लिए थोड़ा कठिन है, परेशान हैं वो, तो उनके लिए मैं बुक्स ला रहा हूँ। ऐसा बुक्स का पैकेज है ताकि आप आराम से पढ़ सकें और आराम से आपका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट मोर देन 85% ऑफ मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आए। आइए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं या बीएड के स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली इस चैनल को फॉलो कीजिए। इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा यह। तो ये एक लिंक है, तो लिंक वाइज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ किस किस टाइप का ये जो है बुक है। ये डीएलएड परचेज फॉर्म है, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद मैंने सेशन सेलेक्ट किया 24 26 24 26। सिलेक्शन करने के बाद अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए कौन कौन सा बुक आएगा मैं आपको बताऊँ। अब देखिए फर्स्ट ईयर वाले बुक में आपको सबसे पहला बुक जो है, पहला आता है आपका चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पहला सेक्शन है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पहला सेक्शन है। तो ये इसके ऑथर जो हैं बी के पाल और यशिका भूटानी हैं। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक बी के पॉल, यशिका भूटानी आप एक अपने नज़दीकी दुकान से खरीदिए या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। हिंदी स्टूडेंट्स के लिए वही बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट जो है प्रिय नंदिनी दीक्षित द्वारा लिखा गया है, और चाइल्ड डेवलपमेंट में और भी किताबें हैं। ये आपका एवीडी का प्रकाशन का है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये डॉक्टर एस के मंगल और सुभ्रा मंगल द्वारा लिखा गया है, और ये हिंदी वर्जन है उसका बाल विकास का, ये आपका सेम राइटर है। ये आपका पहला हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड किताब। बाल विकास एक और किताब है हिंदी मर्जर के लिए, सुमन लता और SHL खत्री का, इनका ये 180 रुपये का। अब एजुकेशन सोसाइटी की बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की, तो एजुकेशन सोसाइटी में के ऑथर हैं HL खत्री और सुमन लता। आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली इंग्लिश से परचेज कीजिए। दूसरा राइटर का नाम है एजुकेशन सोसाइटी ऑथर शिवानी सप्रा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये बुक है शिक्षा और समाज, अशोक और संदीप कुमार राइटर हैं इनके। और हिंदी में एक और बुक है शिक्षा और समाज, जिसमें सुमन लता और HL खत्री ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया एजुकेशन सोसाइटी। तीसरा किताब का बात करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट बुक ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डॉक्टर पूनम गौर द्वारा लिखा गया है, और ये आपका ABD पब्लिकेशन का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किताब है, जो कि SK मंगल द्वारा लिखा गया है और सुब्रा मंगल द्वारा। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एक और किताब आती है सुमन लता HL खत्री की, ये भी इंग्लिश मीडियम है। और शैक्षिक तकनीकी की बात करेंगे तो ये आपका सुमन लता HL खत्री द्वारा भी हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है। इसका एक और किताब है शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे, SK मंगल और सुब्रा मंगल द्वारा। वही आपको एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है, वो हिंदी। हिंदी में आपको बहुत सारे किताब हैं, हिंदी भाषा शिक्षण जो कि जयदेव दबास द्वारा लिखा हुआ गया है, आप इसको जरूर परचेज कीजिए फर्स्ट नंबर पे। और भावना शर्मा का हिंदी शिक्षण किताब, ये भी ले सकते हैं। एक और किताब आता है हिंदी भाषा शिक्षण का, स्नेह प्रभा द्वारा ये किताब है, और दूसरा हिंदी शिक्षण किताब जो है उमा मंगल द्वारा किताब ये। अब इंग्लिश सब्जेक्ट आता है तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आप ये बुक खरीद सकते हैं, वरना टीचिंग ऑफ इंग्लिश बाय प्रेम मेहता, वरना डॉक्टर अनामिका सिंह, डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव द्वारा ये किताब को आराम से परचेज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एजुकेशन के लिए आपको टीचिंग मैथमेटिक्स जो है RK मिगलानी या सैलिनी मनकतालिया का किताब ये खरीद सकते हैं, वरना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो गणित शिक्षण टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स ऑथर RK मिगलानी या सैलिनी मनकतालिया का यह किताब खरीद सकते हैं। अब आते हैं अगले सब्जेक्ट पे, इन्वायरमेंटल स्टडी एजुकेशन, ये गायत्री कमरान द्वारा लिखा गया है, यह बुक आप बिल्कुल परचेज कीजिए, बहुत अच्छा है ये। और पर्यावरण अध्ययन शिक्षण संस्थान के लिए आप सतनाम सिंह का ये किताब ऑथर का परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगला सब्जेक्ट आते हैं हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, ये आपका HL खत्री द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, काफ़ी इंग्लिश में काफ़ी बेटर है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और फर्स्ट नंबर पर आप यही खरीदिए, और दूसरे पे फंडामेंटल ऑफ हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन का HL खत्री का ये दूसरी पुस्तक भी आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। वही बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम में है, वो स्वास्थ्य योग एंड शारीरिक शिक्षा हिंदी मीडियम में HL खत्री का भी किताब है, और फंडामेंटल ऑफ हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन जो है स्वास्थ्य योग एंड शारीरिक शिक्षा के मूलभूत आधार HL खत्री की ये पुस्तक भी आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। वर्क एंड एजुकेशन की बात करें तो वर्क एजुकेशन में ये किताब द्वारा LP सिंह द्वारा लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, कार्य शिक्षा द्वारा कार्य अनुभव ये आपका सविता शर्मा द्वारा किताब लिखा गया है। कार्य शिक्षा LP सिंह का भी किताब आता है, और कला शिक्षण एवं कार्य अनुभव शिक्षण जो है
आर बुक डिपो पब्लिकेशन काफ़ी अच्छी बुक है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो आप बिल्कुल बाय कीजिए। वही आर्ट एंड एजुकेशन की बात करेंगे तो ए टेक्स्ट बुक ऑफ आर्ट एजुकेशन ये राजेश गिल द्वारा लिखा गया है। कला शिक्षण जो है डॉक्टर मुनेश कुमार द्वारा लिखा हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इस बुक को ऑब्वियसली परचेज कीजिए जो कि राजेश गिल द्वारा लिखा गया है। कला शिक्षण आर्ट एजुकेशन की बात करेंगे तो डॉक्टर कपिल कुमार और संदीप कुमारी का ये किताब है। कला शिक्षण एवं कारण शिक्षण की बात करेंगे तो शिवानी सप्रा का ये किताब है। आर्य बुक डिपो ही पब्लिश करता है, तो आप इस हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम किताबों खरीदिए। अब आते हैं नेक्स्ट बुक पे। अब स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम ACP, आपको जब लर्निंग होती है तो ये किताब चलती है, मतलब ये आपका वर्क बुक है। इंटर्नशिप आप जब कीजिएगा दूसरे स्कूल में जाके तो ये इस टाइप का किताब चाहिए होगा आपको ऑब्वियसली, तो ये किताब आप खरीद सकते हैं। मतलब ये आपका कॉपी है बेसिकली स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, जब इंटर्नशिप करते हैं दूसरे स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, क्या आपने सीखा, क्या बच्चों को पढ़ाया, इसमें आपका कार्य लेखन लिखा लिखना है टोटल आपको। लेसन प्लान बुक का बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी ऑफ लेसन प्लानिंग ये जो है ये बुक भी काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, ऑब्वियसली आप बिल्कुल इसे खरीदें और एक बार ध्यान से। वही बात करेंगे हम पेपर 1 पेपर 2 की, जब आप सीटेट देने जाएंगे तो उसके लिए कौन कौन सा बुक ज़रूरी है। पेपर 1 क्लास 1 टू 5 स्टूडेंट के लिए प्राइमरी स्टेज के लिए सीटेट की आप ये पुस्तक खरीद सकते हैं, क्लास 1 टू 5 हरिहंत की आती है। वरना उकर पब्लिकेशन की भी बुक आती है क्लास 1 टू 5 के लिए प्राइमरी स्टेज के लिए। सेंट्रल टीचर एक्टिविटी टेस्ट के लिए आप ये भी परचेज कर सकते हैं। वही कंप्लीट सिलेबस कवरेज हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम दोनों की पुस्तक आती है, उकर पब्लिकेशन हरिहंत दोनों की आती है, आप 1 से 5 वीक के लिए खरीद सकते हैं। वही इंग्लिश मीडियम बात करेंगे 15 साल के क्वेश्चन पेपर की तो हरिहंत की पुस्तक आती है, तो इसलिए परचेज कीजिए और सेट जरूर लगाइए। हिंदी मीडियम में भी सेम सेट आते हैं, संस्कृत का है ये आपका। संस्कृत के बाद आपका हम आएंगे सीटेट के इस हरियंत वाले बुक पे, ये आपका जो है इंग्लिश मीडियम में है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 6 टू 8 के लिए ये है, और ये भी 6 टू 8 के लिए है। दोनों या तो ऊपर पब्लिकेशन या तो हरियंत, दोनों में से किसी का भी आप पुस्तक ले सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। मैं आपको सलाह दूंगा हरियंत में कुछ ज़्यादा ही रहता है और ओल्ड पब्लिकेशन इसमें मत जाइए, आप सीटेट में ऊपर पब्लिकेशन जाइए, ये बुक थोड़ा बेहतर है। अब आएंगे ऐसे स्टूडेंट जो सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं उनके हिंदी मीडियम में भी सेम बुक है, एक हरियंत का एक उपकर पब्लिकेशन का, तो ऑब्वियसली परचेज करें। और मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए बात करेंगे तो हरियंत का सीटेट का ये मैथमेटिक्स एंड साइंस पेपर 2 के लिए दोनों किताबें हैं, आप या तो उपकर कर लीजिए या तो हरियंत का पेपर 2 का भी ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में सेम पब्लिकेशन। और प्रैक्टिस सेट का बात करेंगे तो हरियंत का ये प्रैक्टिस सेट आता है सॉल्व पेपर्स, 2014 से लेकर 24 तक का पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, एक बार क्वेश्चन को एनालिसिस करना जरूरी है, 6 टू 8 का ये किताबें हैं। प्रैक्टिस सेट का बात करेंगे तो दोनों को उपकर पब्लिकेशन हरियंत दोनों का ये हरियंत का 15-15 प्रैक्टिस सेट है, क्लास 6 टू 15 प्रैक्टिस सेट है। और इंग्लिश मीडियम में प्रैक्टिस सेट आते हैं तो ऐसे आप जरूर खरीदें, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाठशाला है सीटेट का और टेट्स का, ये आप क्वेश्चन परचेज कर सकते हैं। वही अब बात करेंगे डीलेट की, हम लोग सेकेंड ईयर की बुक की बात करेंगे तो पहला है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के मनोवैज्ञानिक स्वरूप क्या होगा। तो ये किताब जो लिखी गई है बीके पॉल और नीरा साद की किताबें हैं, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एलिमेंट्री और हिंदी मीडियम के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक स्वरूप जो है एसके मंगल और सुभ्रा मंगल द्वारा किताबें लिखी गई हैं। अब इसे बात करेंगे, इस पर एक और किताब आती है इसके मंगल सुब्रा मंगल की साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एजुकेशन की, ये आप परचेज कर सकते हैं इंग्लिश में ABD पब्लिकेशन की। वरना साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल ऑथर मतलब शिक्षा के मनोवैज्ञानिक स्वरूप का जो राइटर है प्रिय नंदिनी दक्षित दीप्ति चोपड़ा, इनकी किताबें भी आप हिंदी मीडियम वाले खरीद सकते हैं। अब आएंगे सोशल फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसमें राइटर हैं सुमन लता और HL खत्री, इंग्लिश मीडियम वाले इस बुक को खरीदें और हिंदी मीडियम वाले शिक्षा के सामाजिक दार्शनिक आधार वाले ये इस किताब को खरीद सकते हैं जिसे सुमन लता या HL खत्री ने लिखा है। वही बात करें करिकुलम पेडोलॉजी और इवेल्यूशन की, तो इसमें आपका राइटर जो है SK भाटिया और सोनिया जिंदल है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। वही पाठ्यचर्चा शिक्षण छात्र मूल्यांकन की बात करेंगे तो इसका राइटर जो है SK भाटिया और सोनिया जिंदल है। इसमें करिकुलम पेडोलॉजी एंड एवेल्यूशन की एक और किताबें हैं जो कि SK मंगल उमा मंगल द्वारा लिखी गई है, और करिकुलम पेडोलॉजी जो है SK मंगल की हिंदी मीडियम की किताबें हैं। स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये सोनिया गोयल द्वारा लिखा गया काफ़ी अच्छी पुस्तक इंग्लिश मीडियम में, और स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की एक और किताब आती है प्रीति गुप्ता और अप्सरा अंसारी की, आप इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए सेम पब्लिकेशन है हिंदी मीडियम के लिए, राइटर होंगे संदीप कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार, अशोक कुमार, बुक का नाम है विद्यालय नेतृत्व एंड प्रबंधन। अब लैंग्वेज एजुकेशन बात करेंगे हिंदी में तो ऑब्वियसली हिंदी भाषा शिक्षण के लिए आप जयदेव डबास की ये किताब ले सकते हैं। वही हिंदी शिक्षण प्रविधियाँ के लिए
आप लक्ष्मी पांडे की ये किताब और सुनीता यादव की एक पुस्तक ले सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए। लैंग्वेज इंग्लिश की बात करेंगे तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है नामिका सिंह सीमा श्रीवास्तव नीति दुग्गल द्वारा किताब लिखा गया इंग्लिश मीडियम वाले, इस बुक को परचेज करें। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग जो है प्रेम मेथा द्वारा किताब लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों को एक बुक ले सकते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स जो है आर के मिगलानी द्वारा लिखा हुआ है, इस बुक को आप आराम से परचेज कीजिए और आराम से पढ़िए। वही गणित शिक्षण हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आर के मिगलानी और सलनी मंगतिलिया का किताब ले सकते हैं। सोशल स्टडीज़ एजुकेशन की बात करेंगे तो टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ इंदिरा सिंह और सतनाम सिंह का ये बुक है इंग्लिश में। वही सामाजिक अध्ययन शिक्षण के मूलभूत आधार के लिए आपका इंदिरा सिंह और सतनाम सिंह का हिंदी वाली किताब ले सकते हैं। साइंस एजुकेशन के लिए आपका एलिमेंट्री लेवल के लिए आप सुमन और समिता शर्मा का ये किताब ले सकते हैं। वही शिक्षण विज्ञान शिक्षण के लिए सुमन और समिता शर्मा का ये हिंदी बुक आती है। बात करेंगे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की तो इसका बुक है ऑथर है एच एल खत्री, आप इंग्लिश मीडियम वाली ये कर दें। वही स्वास्थ्य योग एंड शारीरिक शिक्षा वाले एच एल खत्री की हिंदी वाली भाग टू किताब कर दें। वर्क एंड एजुकेशन की बात करेंगे तो टेक्स्ट बुक ऑफ वर्क एंड एजुकेशन जो है एल पी सिंह द्वारा लिखा गया राइटर कॉपी है, परचेज कीजिए। हिंदी मीडियम वाले कार अनुभव का शिक्षण ये वाली किताब खरीदिए। कार शिक्षा का एक और किताब आती है एल पी सिंह द्वारा, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। आर्ट इन एजुकेशन की बात करेंगे तो आर्ट एंड एजुकेशन जो है राजेश गिल द्वारा ये किताबें हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले परचेज करें। हिंदी मीडियम वाले कला शिक्षा को पढ़ने के लिए चित्रलेखा सिंह की किताब आती है, आप ये परचेज करें। कला शिक्षण आर्ट एजुकेशन जो है कपिल कुमार संदीप कुमारी की ये बहुत ही बेहतरीन बुक है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, ये डेफिनेटली परचेज करें। ये आपके लेसन प्लानिंग नोटबुक आती है स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए तो ऑब्वियसली से आप जरूर खरीदिए। और लेसन प्लान की एक और किताब आती है टेक्निक ऑफ मेकिंग लेसन प्लान, ये भी आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। हरिहंत की सीटेट की किताब आती है क्लास 1-5 के लिए और उपकर की सीटेट की सेम बुक आती है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में किताब आती हैं, एक आती है आपका पूरा सिलेबस के अनुसार एक क्वेश्चन सेट आते हैं, तो इंग्लिश मीडियम दोनों आते हैं आप खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रोड मैप है सीटेट का, हरियंत किताब है 15 प्रैक्टिस सेट है 1-5 एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। वही सीटेट की संस्कृत में भी आती है, सीटेट की सक्सेस मास्टर की भी किताब आती है, ये आपका पेपर 2 है सोशल साइंस स्टडी के लिए जिस स्टूडेंट का एसएसटी है। और सोशल स्टडी का एक और एलिमेंट्री किताब है, ये भी आप ऊपर पब्लिकेशन का खरीद सकते हैं। वही सोशल साइंस हिंदी मीडियम में सेम बुक है। आपका मैथमेटिक्स और साइंस की बात करें इंग्लिश मीडियम का तो हरिहंत की किताब आती है सीटेट की और उपकर पब्लिकेशन की भी आती है मैथमेटिक्स एंड साइंस के एलिमेंट्री स्टेज के लिए, आप इसे डेफिनेटली खरीदें और सॉल्व करें। बात करेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस हिंदी मीडियम की, उपकर पब्लिकेशन और सेम हरिहंत का ये दोनों किताबें हैं। हिंदी मीडियम में प्रैक्टिस सेट हरिहंत की आती है और 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे इसमें, तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कीजिए। इंग्लिश मीडियम की दोनों किताबें हैं, सेम क्वेश्चन पेपर हैं, एक्चुअली सारे क्वेश्चन पेपर हैं, तो क्वेश्चन पेपर